दूसरा प्रश्न, साधु संतों को देखकर ही मुझे चिढ़ होती है और क्रोध भी आता है। मैं तो उनमें सिवाय पाखंड के और कुछ भी नहीं देखता हूँ, पर आपने ना मालूम क्या कर दिया है कि श्रद्धा उमड़ती है। आपके प्रभाव का रहस्य क्या है? सतीश, देखो सतीश, बात सीधी साधी है। मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, और ठीक ही है कि साधु संतों पर तुम्हें चिढ़ होती है, चिढ़ होनी चाहिए। हजारों साल हो गए, इन मुर्दों से कब छुटकारा पाओगे? इन लाशों को कब तक ढोगे? अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो चिढ़ होगी ही, तोतों की तरह या तुम्हारे तथा कथित साधु संत दोहराए जा रहे हैं। रामायण की कथा, उपनिषद, वेद, सत्यनारायण की कथा, न इनके जीवन में सत्य का कोई पता है, ना नारायण का कोई पता है, ना इनके जीवन में राम की कोई झलक है, ना कृष्ण का कोई रस बहता है, ना तो बांसुरी बजती है इनके जीवन में कृष्ण की, ना मीरा के घुंघरुओं की आवाज है। इनके जीवन में कोई उत्सव नहीं है, कोई फाग नहीं है, कोई दिवाली नहीं है, इनके जीवन में कुछ भी नहीं है। इन्हें तो सिर्फ धर्म के नाम पर तुम्हारा शोषण करने की एक कला सीख ली है। ये पारंगत हो गए हैं और ये उन बातों को उपयोग करते हैं जिन बातों से सहज ही तुम्हारा शोषण हो सकता है। भिकमंगे भी इस देश में ज्ञान की बातें कहते हैं, मगर उसका प्रयोजन कुछ ज्ञान से नहीं है। भिकमंगे भी कहते हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं है। कोई ना उन्हें पुण्य से मतलब है, ना दान से मतलब है, मतलब तुम्हारी जेब से है। वे तुम्हारे अहंकार को फुसला रहे हैं कि दान से बड़ा पुण्य नहीं है। कहाँ जा रहे हो, दान करो, और लोभ को पाप का बाप बताते हैं। वह तुमसे कह रहे हैं कि लोग पाप का बाप है, बचो इससे, दे दो, हम तुम्हें हल्का किए देते हैं, और मांग रहे हैं, भिकमंगे हैं, और मांगना लोभ से हो रहा है, लेकिन शिक्षा वे अलोभ की दे रहे हैं। तुम्हारे भिकमंगों में और साधु संतों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, तुम्हारे भिकमंगे में और तुम्हारे साधु संतों में इतना ही फर्क है कि भिकमंगे गरीब और साधु संत थोड़े सुशिक्षित, थोड़े सुसंस्कृत, भिकमंगे थोड़े दीनहीन, और तुम्हारे साधु संत तुम्हारा शोषण करने में ज्यादा कुशल हैं।